हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। मैं आज फिर आप सबके साथ हूँ। आज हम फ्लेमिंगो चैप्टर के फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर पार्ट 1 में हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से जो एक रेड ट्रैपर है वो ऐसे ही भटकता रहता है और उसके माइंड में विचार आता है कि जो वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है जिसमें लोगों को वो आकर्षित करता है अलग अलग तरह की रिचेज जो है हैप्पीनेस शेल्टर की तरफ। और जो भी जैसे ही लोग कोई आकर्षित हो जाते हैं उस चीज़ की तरफ टेम्पटेड हो जाते हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ दैट प्रिजन। वो उस जेल का एक हिस्सा बन जाते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उसी तरह से वो इसी तरह से सोचता हुआ घूम रहा होता है। और जब वो एक कॉटेज में जाता है, एक ओल्ड मैन उसका स्वागत करता है, वहाँ उसे खाने को मिलता है और उसे वो बताता है अपने बारे में किस तरह से उसकी काऊ है जो उसको सर्वाइव के लिए हेल्प करती है और उससे उसको 30 क्रोनर्स भी उसे मिले हैं। और इस तरह से जब वो सुबह जागते हैं, आप अपने कामों पर चले जाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द सेकेंड पार्ट। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद ही अब क्या हुआ, वो चले गए, ताला बंद कर दिया, ओल्ड मैन ने की अपने पास रखी। लेकिन हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद ही द रेड ट्रैप पेडलर, वो जो चूहे दानी बेचने वाला व्यक्ति था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, बल्कि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, स्मैश्ड अ पैन, एक शीशा तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस थैली को अपने हाथ में पकड़ा, द 30 क्रोनर, जिसमें वो 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, उसने वो पैसे निकाले और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, फिर उसने चुपचाप वो चमड़े की थैली उसी जगह पर जहाँ उसकी जगह थी वहीं पर वापस टंगा दी और वहाँ से चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, जैसे ही वो उस पैसे को साथ लेकर जा रहा था इन इस पॉकेट अपने पॉकेट में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो काफ़ी खुश महसूस हो रहा था विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी पर काफ़ी खुश हुआ। एंड ही रियलाइज्ड, उसने महसूस हुआ ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन अ पब्लिक हाईवे, कि पहली बार तो ये है कि उसके नहीं कोशिश करनी चाहिए टू कंटिन्यू ऑन अ पब्लिक हाईवे, एक सार्वजनिक जो रोड है, पब्लिक जो रोड है, उस हाईवे पर मुझे नहीं चलना चाहिए, उसने ये डिसाइड किया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि इस रोड से नीचे उतर जाना चाहिए, इन टू द वुड्स, जंगलों की अंदर, उस फॉरेस्ट के अंदर चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, वो पहले कुछ घंटों तक दिस पोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन बाद में इट बिकम्स वर्स, काफ़ी बुरा होने लगा उसके साथ। फोर, क्योंकि इट वॉज अ बिग कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था विच ही हैड फॉरगॉटन एंड टू, जिसके अंदर वो चला गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की टू बी श्योर, ये निश्चित करने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़े। बट द पाथ ट्विस्टेड, लेकिन जो रास्ते थे वो इस तरह से मुड़ रहे थे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब तरीके से मुड़ रहे थे, दैट ही वॉक एंड वॉक, कि वो चलता जाता विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, कि वो फॉरेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड, कि वो सिर्फ घूमे जा रहा है इन द सेम पार्ट, एक ही हिस्से में ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के एक हिस्से में वो लगातार घूमे जा रहा था, चले जा रहा था। एट ऑल एट वंस, और फिर ऑल एट वंस है, और फिर अचानक से ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में और उस रेड ट्रैप के बारे में उसके अंदर एक विचार आया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी, मीन्स जब उसको पता चल गया था कि जो वो सोच रहा था, उसका जो विचार था कि पूरी वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है जिसमें शिकार को आकर्षित करने के लिए एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही लोग फंस जाते हैं, आकर्षित होते हैं, वो उस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, कि उसने खुद को भी यहाँ पर मूर्ख बना लिया है बाय अ बैट, एक चारे के द्वारा, एंड हैड बीन कॉट, और अब वो यहाँ पकड़ा जा चुका है, फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट, विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, इसके जो तने हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, इट्स थिकेट, इसका जो घनापन है, एंड फॉलन लॉग्स, और जो लकड़ी के गट्ठे यहाँ पर पड़े हैं, क्लोज्ड इन ओपन हिम, और उसके सामने ये क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उसके सामने एक बहुत बड़ा उसने क्लोज कर लिया है अपने आप को, लाइक एन इम्प्रिंटेबल
प्रिजन। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल का मीनिंग होता है जहाँ से क्रॉस किया ना, जैसे जिसे बाहर ना निकला, जैसे कि एक ऐसे जेल में बंद हो गया है इस फॉरेस्ट के जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का जो लास्ट डेज थे वो चल रहे थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा उस फॉरेस्ट में चारों तरफ घिरने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इस चीज़ ने खतरा बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, अब उसकी निराशा, उदासी, उसके तनाव को भी इस चीज़ ने बढ़ा दिया था। अंधेरे ने रात होने लगी थी। फाइनली ही सो नो वे आउट, अब उसने देखा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो एकदम से जमीन पे उदास होकर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल इतना ज़्यादा थक गया था कि मरने वाला था। एंड थिंकिंग दैट, सोच रहा था दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि अब उसका अंत आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने जमीन पर अपना सिर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक जोर से ठक ठक करने की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी। ही रेज हिमसेल्फ, वो उठा, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, कि ये जरूर हथौड़े के खटखटाने ठकाने की आवाज़ है जो आयरन मिल से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहाँ जरूर आसपास लोग होने चाहिए, उसने सोचा कि यहाँ जरूर आसपास लोग होने चाहिए। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत लगाई, गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाना, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी साउंड में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। द रामजसो आयरन वर्क्स, ये रामजसो जो आयरन वर्क्स है मिल थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुकी है, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ था इसे बंद हुए। अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट है, विद स्मेल्ट, और जिसमें लोहा पिघलाने वाली मशीनें, रोलिंग मिल्स हैं, लोहा को फैलाने वाली मशीनें, स्प्रेड बनाने वाली मशीनें, फोर्ज है, भट्टी है। इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउट्स लाई डाउन द कैनल, जो छोटी छोटी भार ढोने वाली जो नावें होती हैं वो कैनाल से यहाँ पर तैरती हुई नज़र आ जाती हैं समर टाइम में। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो अंदर एक इनलैंड यानी अंदर एक जो लैंड एरिया है वहाँ पर एक लेक है, वहाँ तक जाती हैं। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल, जो इस मिल के पास के रोड हैं, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से वो बिल्कुल पूरे काले रंग के हो जाते थे। विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़े बड़े बोरे होते थे, गट्ठे होते थे कोयले के, उनसे झड़कर गिर जाती थी धूल, उसकी वजह से वो रोड काले हो जाते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, इसी तरह की एक लंबी अंधेरी शाम के समय में, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले, द मास्टर स्मिथ, जो एक हेड लोहार है, स्मिथ है, एंड हिज हेल्पर, जो उसका कामकार, उसका साथ करने वाला सहायक है, सेट इन द डार्क फोर्जी नियर द फर्नेस, उसी अंधेरी रात में भट्टी के पास, आग के पास बैठा हुआ था, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में अंदर डाला गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन एन एनविल, जिसको एनविल पर रखने के लिए तैयार किया गया था। एनविल होता है कि इस तरह का अरहन जिसे आप बोलते हैं, मीन जिसके ऊपर रखकर जब हथौड़े से मारा जाता है तो वो उसके को मार को सहन करने के लिए, मीन जो भी आयरन होता है गर्म करने के बाद उसे एनविल पर रखा जाता है, और फिर उसके ऊपर थोड़े से हैमर से प्रहार किया जाता है, मारा जाता है। एवरी नाउ एंड देन, थोड़ी थोड़ी देर में, नाउ एंड देन थोड़ी थोड़ी देर में, वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक गॉट अप, खड़ा होता, टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ से उस चमकते हुई चीज को जो है वो हिलाने के लिए उठता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, और कुछ देर में वापस आता, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीने से तर बतर टपकता हुआ वो वापस आता। दो हालांकि एज वॉज द कस्टम, जैसा कि कस्टम था, रिवाज था, ही वॉर नथिंग, उसने नहीं पहना हुआ था कुछ, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहनी हुई थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहने हुए थे, मीन्स उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो उन्होंने नहीं पहनी हुई थी, एक लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, हर बार वहाँ पर कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। इन द फोर्ज, उस भट्टी में, द बिग बेलोज ग्रोन्ड, जो बड़े बड़े गट्ठर थे वो जब जलते थे तो उनके मीन्स ग्रोनिंग की आवाज़, उनकी बर्निंग कोल क्रैक, जो जलते हुए कोयले थे जब वो टूटते तो उनकी क्रैकिंग की आवाज़, द फायर बॉय
शोवेल्ड चारकोल, शोवेल्ड का मतलब होता है झोंकना। जब वो कोयले को अंदर झोंकता, जो आके पास बैठा था लड़का, जब उस कोयले को अंदर डालता था, इन टू द मो ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में जब वो उसको डालता था, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, चट चट की बड़ी आवाजें आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर एक पानी जो वाटरफॉल है, झरने की आवाज आ रही थी जोर जोर से गिरने की। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और जो तेज गति से चलने वाली उत्तरी हवा थी, व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ईंट की ईंट से बनी हुई छत के ऊपर। जब वो नॉर्थ विंड थी, वो तेज बारिश के साथ जब बरसती थी और बारिश की आवाज़ आती थी, वो बड़ी उस छत के ऊपर सुनाई दे सकती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, शायद इसी नॉइज की वजह से, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, और शायद इतना सारा शोर हो रहा था आसपास, इसकी वजह से जो लोहार था, डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, अ मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है, एंड एंटर द फोर्जी, और भट्टी के पास आ गया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक वो पूरी तरह से उस फर्नेस भट्टी के पास आकर नहीं खड़ा हुआ। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबोंड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ द लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व इन फ्रंट ऑफ। अब कहता श्योरली, बिल्कुल निश्चित है कि इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर अ पुअर वेगाबोंड, ऐसे घूमते आवारा जो घूमते रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई अजीब बात नहीं है, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जब उनको कोई अच्छी शेल्टर नहीं मिलता है, सोने के लिए जगह नहीं मिलती है, ऐसे घुमक्कड़ लोगों को तो क्या होता है, उनके लिए किसी भी जगह पर आश्रय लेना कोई मुसीबत कोई बड़ी बात नहीं थी। शेल्टर फॉर नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, कि लाइट की जो रोशनी थी उससे आकर्षित होकर वहाँ पर आ जाना, भट्टी के पास आ जाना, विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन, जो तेज जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर वाले मीन्स उनके सामने जो बाहर से आकर्षित हो रही थी, सूटी पेन्स थे जो शीशे थे, और जो सूटी थे, सूटी का मीनिंग होता है मीन्स जिनके ऊपर कुछ दाग धब्बे हो जाते, क्योंकि आग की वजह से चारों तरफ से जो धुआं उठ रहा था उसकी वजह से वो शीशे क्या हो गए थे, काले हो गए थे। तो वो सूटी पेन्स थे, एंड टू कम इन अ वार्म देन, चलो और वहां पर आ जाना, अपने आप को गर्म करना, इन फ्रंट ऑफ उसके सामने, द फायर आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए आना, उनके लिए कोई अजीब बात नहीं थी। द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली, उसने एकदम से देखा उसे नॉर्मली एंड इनडिफरेंटली, और नीरसता से, कोई मीन्स उसने साइन नहीं दिखाया शौक का, एंड एट द इंट्रूडर, जो व्यक्ति आया था एकदम से चुपचाप, जो आ गया था शेल्टर के लिए, ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने उसी तरीके से देखा जिस तरह से बाकी लोग इस तरह के लोग देखते हैं, विद अ लॉन्ग बियर्ड, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी गंदे से रैग्ड फटे पुराने, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप, जिसके पास एक रेड ट्रैप्स का पूरा ग्रुप, बहुत सारे रेड ट्रैप्स का पूरा झुंड था, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसके छाती पर लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहां रुकने की परमिशन मांगी, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट, जल्दी जल्दी में उसने एकदम से गर्दन हिला के हाँ बोल दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द भी नहीं कहा उसने अपने मुंह से हाँ या ना में, सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी जल्दी जल्दी हाँ कंसेंट में, कि हाँ वो यहाँ रुक सकता था ये कंसेंट देने के लिए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, अब इस टेम्पर ने कुछ कुछ भी नहीं कहा इधर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो यहाँ बात करने के लिए तो आया भी नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लिप, कि थोड़ा गर्म हो जाए और सो जाए, बस इसीलिए वो यहाँ आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामजसू आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उस समय जो आयरन मिल थी वो एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर के द्वारा जो है मालिक था, सुपरवाइज की जाती थी, जो उसका मालिक था बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या थी, कि वो जो गुड आयरन है, सबसे अच्छा आयरन है, उसको मार्केट में लेकर जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो दिन रात कोशिश करता देखने की कि जो काम किया जा रहा है वो जितना संभव है उसी तरीके से काम किया जा रहा है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और अब इस पल में, ही केम इन टू द फोर्जी, अब वो उस भट्टी के पास आया था, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपने रात के जो एक
आप बोल सकते हो एक इंस्पेक्शन के लिए वो यहाँ आया था, देखने के लिए कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रेगा मुफिन हु हैड एस्केप्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। नेचुरली फर्स्ट थिंग ही सॉ, सबसे पहले जो उसने चीज़ देखी थी वो क्या थी, उसके सामने सामने जब उस नजर आई तो एक लंबे से उस व्यक्ति को देखा जिसने अपने आप को ढक रखा था, भट्टी के बिल्कुल इतना पास बैठा था कि जो उसके वेट कपड़े थे, वेट रैग्स थे, उसमें से भी वो आसानी से भाप फूटते हुए देख सकता था। एंड द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो बड़ी मुश्किल से किसी अजनबी व्यक्ति की तरफ ध्यान देता है या उसको समझने की कोशिश करता है, वैसा काम उसने नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो बिल्कुल उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको ध्यान से देखा उसको, एंड देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और उसने जल्दी से अपना जो हैट था उसने पहना हुआ था, सर के ऊपर जो एक टोपी पहनी हुई थी, स्लाउच मीन आगे की तरफ झुकी हुई, जो उसने कैप पहनी हुई थी उसने फट से वो उतारी टू हैड अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को ध्यान से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलाफ। अच्छा तुम हो नील्स ओलाफ, ही सेड, उसने कहा, हाउ डू यू लुक, हाउ यू डू लुक, कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजसो। ये जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति है, द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर को उस रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने रामजसो में पहले कभी भी नहीं देखा था, ना ही एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, ना ही उसका वो नाम जानता था। बट इट ओकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ जैसा कि कोई अच्छा भला आदमी समझता है कि वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, की जैसे वो कि बहुत पुराना परिचित हो उसका। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, कि शायद वो उसकी तरफ काफ़ी सारे कुछ जो क्रोनर है, मॉनिटरी यूनिट है, वो शायद उसकी तरफ फेंक देगा। देयर फॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम एट ऑल वंस, इसलिए शायद वो उसका वहम दूर नहीं करना चाहता था, कि उसने सोचा कि चलो ठीक है, जब ये मुझे इस तरह से बुला रहा है तो कोई बात नहीं, यही नाम चलने हैं तो हो सकता है ये मेरी कुछ हेल्प कर दे, मुझे कुछ पैसे ही दे दे। यस गॉड नोज थिंग्स, हाँ भगवान जानता हैव गोन डाउन हिल विद मी, कि कितना बुरा टाइम जो है मेरे साथ, डाउन डाउन हिल मीन्स कितना बुरा टाइम चल रहा है मेरे साथ, उसने कहा। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, क्या तुमने रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं दे दिया था, नहीं देना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, यही तो गलती की, कि यही क्या थी, यही गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस समय उस वक्त नौकरी में होता, देन वॉट हैपन, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो ठीक है अब तुम चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अप टू द मैनर हाउस, अब वो क्या, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, अब वो उसके घर जाने लगा, जो व्यक्ति था जो इतना बड़ा मीन्स फेमस पर्सन था, साहूकार था, उसके साथ उसे घर चला गया। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसको उसी तरह से अपने घर में रिसीव किया जैसे कि कोई पुराना सेना में काम करने वाले व्यक्ति, और उसका जो साथी है उसे रिसीव करता, उसी तरह से उसको रिसीव किया। एंड दैट हाउ डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, और उस आवारा घुमक्कड़ जो व्यक्ति था, ये जो ट्रैम्प था, घूमने वाला वॉन्डरिंग पर्सन था, इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। सो क्लास हेयर योर पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड। वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।